तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली यहां पर हमारे पास आ गया है पोको की तरफ से आने वाला पोको M4 Pro। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पोको M4 Pro में PUBG BGMI का एक गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट PUBG BGMI में क्या ग्राफिक्स सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र डालेंगे कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग के साथ क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है, हमें इस डिवाइस को इस प्राइस रेंज के साथ गेमिंग के लिए कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अगर हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाली मीडियाटेक हीलियो G96 की चिपसेट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करती है। मीडियाटेक के इस प्रोसेसर के साथ आपको इस डिवाइस में डे टू डे लाइफ में नॉर्मल यूसेज में कोई भी दिक्कत परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मीडियाटेक का ये प्रोसेसर इस डिवाइस के साथ गेमिंग को कहाँ तक हैंडल कर पाता है। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। इन्हीं के साथ दूसरी तरफ अगर हम पोको M4 Pro की बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको इस डिवाइस में नॉर्मल यूसेज में डे टू डे लाइफ में 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 5000 mAh की बैटरी इस डिवाइस में इस परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग में कहां तक सर्वाइव कर पाती है। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जात से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। उसके साथ ही दोस्तों, पोको M4 Pro के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पोको M4 Pro में PUBG BGMI में बाई डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में इस परफॉर्मेंस के साथ ग्राफिक में क्या सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो दोस्तों, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्मूथ में हमें अल्ट्रा यानी कि 40fps बाय डिफॉल्ट देखने के लिए मिल जाता है। हमें इस डिवाइस में फिलहाल के लिए कोई भी स्मूथ में 60fps यानी कि एक्सट्रीम की ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती। आई होप कि आगे चलकर हमें इस डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ स्मूथ में 60fps या 90fps की ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्मूथ प्लस अल्ट्रा में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। Mark the location. गोलियां पई हैं। हाँ। अरे, तू किधर रह रहा है यार? गया वो।
I got supplies. I need a weapon. I'm for Marathalai Jap. Watch out! Marked a location. Watch out! Watch out! Watch out! Help!